श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चीत दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा ए सखी जीवन माराए श्री महामती कहे ए मो भया भयाचर्चा काबखा अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत बोलिए श्री प्राणनाथ इन समय में चर्चा बड़ी जो हो साथ की आमदानी हुई बड़ी इन बखत हुई बड़ी इन बखत चतुरा एक पोखरणा प्रणधार आत्म संबंधी धाम धनी के प्यारे एवं सुंदर दसराथ जी तुम्हारे श्री चरणों में मेरा गोटी गोटी दंडवत प्रणाम श्रीलालदासी कुत्तक साहेब चर्चा न आज चौदमा दिन में हम कल के प्रसंग में देखा कि चिंतामणि के अंदर बैठे हुए अहंकार धामधनी ने वित्तक साहेब में कई जगह उसको दज्जाल के रूप में भी कहा है दज्जाल का मतलब मत मतलब कि मानव मन में छिपा हुआ एक अज्ञान रूपी राक्षस अज्ञानता अहंकार उसको कहते हैं दज्जाल तो कल हमने देखा कि चिंतामणि कितने बड़े गदीपति आचार्य बनकर बैठे थे हजारों शिष्यों की जमात भी थी लेकिन तारतम्य ज्ञान पाने के बाद अपनी ज्ञान और अपने अंदर हुए अहंकार को छोड़ दिया और तारतम्य ज्ञान रूपी लाठी से श्रीजी ने अपने अहंकार को मार दिया जी यही अज्ञान यही अहंकार हमारे अंदर भी बैठा हुआ है चिंतामणि मतलब जो मन की चिंता करे वो चिंतामणि जो जो सुंदर साथ अपने मन पर कंट्रोल नहीं करेगा अपने मन पर काबू नहीं करेगा ये मन को धाम धनी ने नारद कहा है वाणी में ये मन को मरकट भी कहा है बन, बंदर भी कहा है कि मन कि लगाम जो अपने हाथ में हम नहीं रखेंगे तो ये घोड़ा कहाँ तक दौड़ता रहेगा और अंदर कई विकार पैदा करता रहेगा तो यहाँ चिंतामणि के अंदर बैठे हुए अहंकार कोश्री जी ने कल तारतम ज्ञान से कैसे समाप्त किया ये प्रसंग को पूरा किया कल हमने और आज हम सुंदरसाज जी और दूसरे प्रसंग जिस तन से ये वितक की रचना हुई लिखा गया तो स्वयं धाम धनी ने पांच शक्ति विराजमान हुई आसवाई के धाम दिल में जिसको महामती की शोभा मिली एक महामती की शोभा इंद्रावती की आत्मा को मिली थी और दूसरी महामती की शोभा आस भाई को मिली तो ये आसवाई, बाई ये लालदासी कैसे धाम धनी को मिलते हैं दोनों का मिलन आसबाई और इंद्रावती का आज मिलन अभी हो रहा है या बताया धाम धनी ने कि चतुरा एक पोकरण चतुरा प्रोकरण नामक एक ब्राह्मण था वो रोज श्री जी को दूध देने के लिए नगर में वो श्री जी को रोज दूध देने के लिए आता था और वहाँ लालदासी के वहाँ भी गोदाम में रोज मिला करता था तो यहाँ जो चर्चा होती थी एक एक बात को ध्यान में रखना यहाँ जो चर्चा होती थी कहाँ श्री जी के जहाँ सुंदर साथ की जहाँ भीड़ जमी थी और आगली चौपाई में बताया कि इन समय में चर्चा बड़ी हो वे ज्योतित, इतना शोर मच गया पूरे नगर में इतनी आमदनी बढ़ गई इतनी भीड़ लगने लगी जैसे गांगजी भाई के घर में लगी थी वैसे वैसे जहां जहां श्री जी गए नगर से पहले दीव बंदर हमने देखा ना कई कई जगह जहाँ जहाँ श्री जी जाते हैं वहाँ अवलौकिक अमृत ब्रह्म ज्ञान की जब चर्चा बरसाते हैं बादल बरसिया रूहल्ला जो है बूंदे लई तीन तो जहाँ जहाँ सुंदर जी ज्ञान की वर्षा होने लगी तो सुंदर की भीड़ तो होने ही लगेगी तो यहाँ आप आपको बताया सुंदर जी कि श्री जी क्या चर्चा करते हैं आज भागवत कथाकार तो बहुत से हैं आज हम मीडियो पर देख रहे हैं कि कई फेमस मशहूर भागवत कथाकार हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं कि नारायण से परे क्या है सब बस चौबीस अवतार का वर्णन करते या नारायण तक श्रीहरि कह के वहाँ घटित कर देते उसके आगे बेहद क्या है अखंड योग माया ब्रह्मांड क्या है अखंड ब्रज क्या है अखंड रास किया है जो धाम धनी ने ये वाणी के माध्यम से स्पष्टीकरण करके बताया कि सुंदर जी ये लोग जो पुष्टिमार्ग संप्रदाय राधा वल्भी मार्ग वाले यहाँ लालदासी किसकी चर्चा करते थे भागवत की गीता की आगे बताएंगे उसका मायना उसका गुज रहस्य उससे खुला नहीं था क्योंकि सबका यही हाल था क्योंकि तारतम ज्ञान किसी के पास पहुंचा नहीं था तो किसी के पास भेद खोलने की शक्ति ही नहीं थी तो सब चर्चा करते थे कि बोलते तो सही कि भाई ब्रज अखंड है रास अखंड है ब्रज की लीला दिन और रात्रि की है रास की लीला सिर्फ रात्रि की है महारास रात्रि की लीला है बोलते थे फिर बोलते कि अखंड किसको कहा जाता है कि जिसका कभी भी नाश न हो फिर घटाते थे कहाँ यहाँ बोलते थे कि नहीं ये तो पार है ये हद ब्रह्मांड से पार है लेकिन घटाते थे कहाँ यहाँ क्योंकि पता ही नहीं था कि बेहद भूमि का बेहद मंडल कहाँ पर है तो यहाँ चतुरा दूध देने के लिए श्री जी के पास आता था तो यहाँ चर्चा सुनता था श्री जी बताते थे कि जो अखंड ब्रज की लीला हुई ये कहाँ पर हुई कि ये सही ये काल माया का समय के साथ बंधा हुआ एक ब्रह्मांड बना था जिसमें कौन आए थे हम सब ब्रह्मात्माए हम सब सुंदर साथ जहां अग्यारह साल और बावन दिन की लीला हुई और दिन और रात्रि की लीला हुई ये काल माया को भयोपतन मतलब ये काल माया का एक बार लय हो गया फिर हम कहाँ गए जब बांसुरी बजी ने बांस की तो हम रास में गए ने सुंदर जी लेकिन क्यों ये संसार को पता नहीं है यहाँ भेद आपको समझना है सब घटाते कहाँ है इस ब्रह्मांड के अंदर क्योंकि उसको पता इसलिए नहीं है कि जब हम गए ना ब्रज को ब्रह्मांड को छोड़ के रास में तब ये ब्रह्मांड का पूरा लय हो गया हम रास में चले गए और सुबह को जो यहाँ सखिया उठी यहाँ जो व्यवहारिक की लीला यहाँ प्रतिबिंब की यहाँ के या यूपी में गोकुल मथुरा यहाँ आते हैं ना यूपी में है न गोकुल मथुरा ठीक है उत्तर प्रदेश में तो यहाँ जो व्यवहारी की लीला हुई प्रतिबिंब की लीला जहाँ यहाँ भी छत्तीस हजार चौबीस हजार कुमारी का संख्या होके जीव और बारह हजार वेद रुचा होके लेकिन सुबह को जो ये उठी धामधनी ने बेहद वाणी के प्रकरण में बताया कि जब ब्रह्मा ये वाचरु वाछरू गोवाला संगाते मतलब मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहे धामधनी यहाँ कि हम परमधाम नहीं हम ब्रज से रास में गए ठीक है हम रास में गए रास से फिर परत परम धाम लौटे यहाँ बीच में एक जो प्रतिबिंब की हम आए इससे पहले एक बीच में यहाँ यूपी की गोकुल मथुरा की जो लीला हुई और यहाँ से फिर मथुरा और द्वारिका की एक साल की लीला हुई तो जो ये लीला का जो भेद है त्रिधा लीला का ये किसी को पता नहीं है ये लोग जो सुबह को यहाँ उठे तो उसको ऐसा लगा उस जो गोप बालकों के साथ जो सोई हुई सखिया सब उठी तो उसको ऐसा लगा कि नहीं रात को जो रास खेला था वहाँ से हम रास खेल के सीधे यहाँ उठे हैं बस उसको पता नहीं लगा कि वो ब्रह्मांड तो लई हो गया और फिर रास में जो सखिया खेली वो तो परमधाम में फिर मूल तन में जागृत हो चुकी थी समझ में आया जो कुमारी का सखियाओं ने मांगा था कि धामधनी मतलब अक्षरातीत के साथ मांगा था ना हमारा दिन कोई कोई दिन हमारे संग वो खेलती थी तो उसने बत, बोला था कि भाई आपके साथ हमारी लीला कब होगी तब धनी ने उस टाइम पे बताया था कि समय आए मैं आपके साथ लीला करूंगा तो ये जो बीच की लीला हुई ये किसी को पता नहीं है और हम रास खेल के परमधाम गए परम धाम से हम चौथे दिन में यहाँ आए बीच में तीसरे दिन में महमद साहब की तैंसठ साल की भी लीला यहाँ घटित हो गई लेकिन ये किसी को पता नहीं है आपको समझ में आया ये लोगों को कैसे पता लगे क्योंकि तारतम वाणी के बिना किसी के पास गुजमायना खोलने की शक्ति नहीं है सुंदर साह जी तो यहां बताया कि अखंड ब्रज और अखंड रास दिन और रात्रि की ब्रज की लीला और रास की रात्रि अखंड है महारास की रात्रि यह सुन के चतुरा ब्राह्मण जाता था वहाँ गोदाम में लालदासी को मिलते थे तो लालदासी चर्चा करते थे क्या चर्चा करते थे लालदासी लालदासी भागवत में लिखा तो है कि जगुरु धन्य मतलब ये त्रिगुणात्मक शरीर छोड़ के सखिया योग माया ब्रह्मांड में पहुंची थी लिखा है लेकिन सुखदेव मुनि ने यह स्पष्टीकरण कर नहीं पाए कि त्रिगुणात्मक शरीर ये ब्रज लीला का था ये छोड़ के नूरी ब्रह्मांड जो दिव्य योग माया का बना और वहां सखिया पहुंची ये कहाँ पर आया ये पता ये धामधनी ने भेदवाणी में बताया कि भागे जोश कही अध्याय रास वर्णन न वो तीन ताई भागे जोश कही पंच अध्याय सुखदेव मुनि ने भागे मतलब भागे टूटे थोड़ा कुछ उसने वर्णन तो पंच अध्याय में रास का किया लेकिन पूर्ण वर्णन कर नहीं पाए यहाँ सुंदरशा जी एक और भी भागवत के श्लोक है कि भगवान अपनी रात्रि सर्द फुल्ल मल्लिका चक्रे, मनस चक्रे योग माया उपाश्रित ये माँ भी बताया कि सुंदर ऐसी एक शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसे कमल के फूल खिले हो और एक केसर के समान जो लाली माँ से भरपूर और ऊपर से चंद्रमा की किरणें नीचे तक आलिंगन कर रही है ऐसे सुंदर फूल खिली हुई तो ऐसी रात्रि का वर्णन तो सुखदेव मुनि ने लिखा लेकिन पता नहीं कि ये रात्रि जो खेली गई, वो केवल ब्रह्म में है, ये पता सुखदेव मुनि को लगा, सुंदर मुद जी इसलिए तो धामधनी ने बताया कि यही स्वरूप ने यही वृंदावन यही जमुना तटसार घर थी तीत ब्रह्मांड थी अड़गो तार तमे की दो, निर्धार परमधाम थी अलग और ये ब्रह्मांड थी पर अलग बीच में जो केवल ब्रह्म में रास खेली गई ये सुखदेव मुनि को पता क्योंकि जो पंच वासनाएँ पहुंची सुंदरसा जी उसने भी सबलिक को अक्षर माना और केवल ब्रह्म को अक्षरातीत मान लिया उससे आगे सत्स्वरूप क्या है और उससे आगे अक्षरधाम क्या है और उससे आगे दिव्य धाम की लीला क्या है ये किसी को पता नहीं लगा तो यहाँ धाम धनी बता रहे हैं सुंदर साहद जी कि सुखदेव मुनि इसलिए तो बताया कि मुनि जी ये कागद हमारा तुम साथ आइया खबर हद बेहद की तुम कर देकर पठाइया कि हे मुनि जी दुख ना करो क्योंकि वर्णन कर रहे थे ना सुखदेव तो परीक्षित ने बीच में प्रश्न कर दिया तो जो जोश की एक शक्ति कह रही थी अंदर से वचन वो टूट गई टूट गई मतलब वर्णन वो नहीं पाया तो यहाँ धामधनी बता रहे कि ठीक है हे सुखदेव मुनि तुमने इतना तो वर्णन किया अभी तक इतना वर्णन भी कोई कर पाए नहीं है तुमने इतना तो कर दिया भले हमारा कागज तुम साथे आया मतलब हमारा पत्र लेकर तुम आए तो इतना तो ठीक है इतनी बात भी अभी तक कोई लेकर यहाँ आए सुंदरसा जी मैं इतनी बात विस्तार से क्यों बता रही हूं आधे चरण में समझ में आया कि हमको क्या धन मिला है एक एक भेद धाम धनी खोल रहे हैं कि किसी को यह पता नहीं है तो ये वहां लालदास जी जब वर्णन कर रहे हैं क्या वर्णन कर रहे हैं ब्रज का रास का तो फिर चतुरा ब्राह्मण ने पूछा कि लक्ष्मण सेठ तुम वर्णन तो करते हो ये अखंड ब्रज और अखंड रास कहाँ है किस स्थान पर है मतलब ये जगह कहाँ है क्या आपको पता है आप बोलते तो ये अखंड है जो अखंड होता वो तो कभी नाश नहीं होता यहाँ का गोकुल मथुरा का जो ये लीला हुई ये तो एक दिन महाप्रलय में नाश हो जाएगी क्योंकि भागवत में स्पष्ट बता दिया कि नित्य प्रलय नैमितिक प्रलय प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय महाप्रलय में पांच तत्व तीन गुण और चौदह लोग कुछ कुछ भी बचेगा नहीं तो ये व्रज और रास की लीला कहाँ अखंड होगी तभी लक्ष्मण सेठ आश्चर्य में पड़ गए अरे भाई तू कहां से सुना सुनते हो और ये वचन ऊंचे ऊंचे वचन कहाँ से लाते हो तो उसने बोला कि ये आपको तो अभी सुधी नहीं है तो उसने बोला कि भाई मेरे को ये चर्म दृष्टि मिली है ने आत्मिक दृष्टि अंदर की दृष्टि जब तक नहीं खुलती ने, लाल लालदासी ने बोला कि तब तक ये अखंड व्रज और अखंड रास नहीं दिखाई देगा तब चतुरा ब्राह्मण ने बोला लाल दासी, कि लालदासी लक्ष्मण सेठ कितने सालों से आप भागवत की चर्चा करते हो अब तक आपकी आत्मिक दृष्टि नहीं खुली है तो कब खुलेगी आंतरिक चक्षु तो आपका कब खुलेगा तब जाके बताया कि ये दृष्टि मतलब ये भौतिक नेत्रों से कभी भी, भी अखंड ब्रज और रास का दर्शन इसलिए सुंदर सा जी बार बार ये बात क्यों बताई जा रही है कि तुम चित्वनी करो बार बार कर, कह जा रहा है कि तुम ध्यान करो जब तक हम अंदर झांक के नहीं देखेंगे ने हमारी अंदर की मतलब हमारी आत्मिक दृष्टि से हम धाम धनी को देखने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे ने तब तक कोई काम बनेगा नहीं इसलिए तो बताया कि सूरत ए के राखिये मूल मिलावा माही श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे है।, सूरत रखनी है पल पल धाम धनी के चरणों में रखनी है कैसे रखेंगे सुंदर सा जी अंदर से अंदर से हमारी सुरता बार 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 कहाँ लेके जाना है हमारी सुरता को मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में वहाँ से हमारी सुरता को हटाना नहीं है तो यहाँ लालदासी बता रहे कि भौतिक नेत्रों से ये दर्शन नहीं होगे तब चतुरा ब्राह्मण ने बताया कि ये अंदर की दृष्टि कब पाओगे सुंदर साहद जी ये कोई चतुरा या लक्ष्मण सेठ की बात नहीं है ये हमारी बात है हम कितने साल से ब्रह्मवाणी सुनते आ रहे हैं कितने साल से चर्चा सुनते आ रहे हैं हमारी आत्मिक दृष्टि खुली क्या हमने अखंड ब्रज और रास की लीलाएँ देखी क्या हमने परमधाम की लीला कितनी बार सुन ली सुन ली ने क्या हमने परमधाम राज्य श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार हाँ ज्ञान से पहचान हो गई लेकिन स्वरूप से पहचान नहीं हो पाई बोलिए सी प्राणनाथ ज्ञान से पहचान हो गई कि भाई हमारा ज्ञान ये बता रहा है लेकिन स्वरूप से पहचान नहीं हो पाई है ये धामधनी हमको बोध दे रही है किसी की बात नहीं है मैं तीन दिन से बार बार बोल रही हूँ कि एक एक प्रसंग को हम पर घटाइए तब अंदर से चौंकी उसकी आत्मा किसकी लक्ष्मण सेठ के अंदर बैठी हुई आसबाई की आत्मा मैंने अभी बताया ने जिसने तक लिखा है आज इस तन को कितनी बड़ी शोभा मिली सुंदर जी मिलन तो हुआ अंतिम श्वास तक बताया नहीं अंतिम चौपाई है ना उसकी जो वित्तक साहिब की उसमें बताएंगे कि महामती कहे मोमिनो यहाँ के कहे साथ यहाँ ते ही खड़े रहे जाको धनिये पकड़े हाथ ऐसे लालदासी को कितनी बड़ी शोभा मिली अंतिम लीला पूर्ण की लालदासी ने तो भी श्री जी के सामने बैठे हैं आप घुम्म जी में देखेंगे ना जो पूर्व का दरवाजा पश्चिम में पड़ता है जो वो पूर्व का है ना ये दरवाजा तो वहाँ सामने लालदासी लालबाई और उसके दामाद श्याम राय क्योंकि उसकी बेटी तो गड्ढा में तन छोड़ दिया था ना, तो सुन्दरसाज जी ऐसी लालदासी को जो शोभा मिली तो यहाँ अंदर से आत्मिक दृष्टि खुल गई चतुरा प्रोकरण के कहने पर यह बात मैं इसलिए बार बार दोहरा रही हूँ कि दूसरे के कहने पर जो इतनी आत्मिक दृष्टि खुल जाती है तो हमारे सामने स्वयं हमारे धाम धनी की वाणी हो कहने वाले भी हमारे सुंदर साथ हो तो हमारी दृष्टि नहीं खुलनी चाहिए क्या समझ में आया कहने वाले धाम के धनी हो हमारे सामने भी वानी हो और हमारे ऐसे सुंदर साथ चर्चा करते हो सुंदर साथ जी आज स्टूडियो में भी देखो दो दो दिन से लगातार लगे हैं जो तो भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आए तो इस जीव को धिकार है ठीक है माया के पीछे कितना टाइम लगा दिया है तो यहाँ लाल दासी ने बोला कि चतुरा तू मेरे को जल्दी से लेके चल कहां, कहां चल श्री जी के पास ये तू कहां से ऐसी ऊंची ऊंची बातें लाते तो उसने बोला है कि अलौकिक महात्मा आया है अवलौकिक क्या बोला चतुरा ब्राह्मण ने अवलौकिक महात्मा आया है आपके नगर में चलो ऐसे में नहीं ले पाऊ ले जाऊंगा मेरे को पूछना पड़ेगा बोले कि कल मैं दूध देने के लिए जाऊंगा ने तो मैं पूछ के आपको लेके जाऊंगा सुंदर साद जी पूछ पूछा दूसरे दिन साथ में गया वहाँ चर्चा कितनी देर सुनी ध्यान से सुनना एक एक प्रसंग को चार घड़ी कितनी पहली बार चार घड़ी मतलब डेढ़ घंटे एक घड़ी साढ़ा बाईस मिनट चार घड़ी मतलब डेढ़ घंटे सुना चर्चा उसने फिर दो तीन चार बार गए और उसके अंदर बैठी हुई आत्मा जागृत हो गई उसके बिना रह भी नहीं पाई थोड़े टाइम के बाद सुंदो सा जी उसकी सुरता कहाँ लगी रही कल हमने चिंतामणि का भी देखा ने गए ने फिर सुरता कहाँ लगी रही श्री जी के चरणों में साक्षात धाम के धनी की लीला हो रही थी तो जो जो सुंदर सा चर्चा सुनते थे वहां से मन हटता ही नहीं था बस बार बार उसके चरणों में बैठे रहो बार बार अवलौकिक चर्चा सुनता रहो तो यहां एक दिन लालदासी अपने बाग में टहल रहे तब जिंदा दास माली आए जिंदा दास माली ने पूछा कि जिसकी आप चर्चा सुनने के लिए जाते हो क्या उस स्वरूप को आपने पहचाना किसकी बात है सुंदर जी? जिसकी आप चर्चा सुनने के लिए जाते हो उस स्वरूप को आपने पहचाना मतलब तुम धाम धनी की चर्चा सुनते हो उस युगल स्वरूप राज श्यामा जी को हमने पहचाना नहीं पहचाना मैंने बोला ना, ज्ञान से पहचान स्वरूप से पहचान नहीं हुई है फिर आगे जिंदा दास ने बोला इस स्वरूप की मैं पहचान कराता हूं ये अवलौकिक महात्मा कौन आया है तो मार्कंड ऋषि के दृष्टान से एक तो चोट किससे लगी उसके वर्कर मतलब उसके नीचे अंडर में काम करने वाले चतुरा ब्राह्मण की एक चोट लगी अंदर दूसरी किसको लगी जिंदा दास माली से लगी सुंदर सा जी धनी बताते सिंगार ग्रंथ में चौथे नंबर के प्रकरण में ऐसा आवत दिल हुक में जो इसके आत्म खड़ी ये, ये हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए जब तक ये स्वरूप अंदर नहीं चुभे गाने या धाम धामधनी इतनी गहरी बात सिंगार की लेकर क्यों यहाँ चौपाई रख दी मेरे को लगा कि भाई इतनी छोटी छोटी बात को लेकर बात नहीं करनी है बस बहुत हो गया छोटी छोटी बातों को समझाते समझाते आखिर की जो एक आ, हमारी सागर श्रृंगार के रस की जो वाणी है उसमें हमको धामधनी डुबोए रहे हैं सुंदर साहद जी यहाँ बता रहे हैं मार्किंड ऋषि के दृष्टांत से जिंदादासी के आ, भागवत में बारहवें स्कंद के नौवें अध्याय में भागवत में बारहवें स्कंद के नौवें अध्याय में, में मार्किंड मुनि का एक दृष्टांत है धामधनी ने वाणी में भी रखा है प्रकाश में भी प्रकाश में भी ये दृष्टांत रखा है कि मार्किंड मुनि ने क्या मांगा तो मार्किंड मुनि विष्णु भगवान के भक्त थे नारायण के तो नारायण की भक्ति करते थे भक्ति करते करते एक दिन उसको वरदान प्राप्त हुआ और नारायण जी ने पूछा कि मांगो तारे मार्कंड ऋषि इतना ही मांगा कि मेरे को आपके चरणों में भी रहना है और माया भी देखनी है तो धामधनी ने यही तो बताया कि हम कहां बैठे हैं कहां बैठे हैं सुंदर साजी मूला मिलावे में और वहां से हमारी सिर्फ एक नजर जिसको कहा गया सुरता जिसको कहा गया आत्मा ये खेल को एक दृष्टा के रूप में देख रहे हैं तो जैसे एक मार्कंड मुनि ने नारायण के पास मांगा वैसे ही हमने भी ब्रह्मात्माओं ने धामधनी के पास ऐसा ही एक खेल मांगा तो यहाँ जब एक बार पुष्पभद्रा नदी के किनारे पर मार्केंड मुनि एक बार ध्यान में मग्न हो गए ध्यान में मग्न हो गए तो पूरी सृष्टि को जल में विलीन होते देखा और अपने आप भी जल में डूब रहे ये दृश्य वो देखने लगे डूबते 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 आगे उसने एक बरगद का पेड़ देखा उसके एक पत्ते पर एक छोटा सा शिशु लेटा हुआ था एक बच्चा जो नारायण का रूप लिया हुआ था और इतना ही नहीं उसको देखकर मार्कंड मारकंड मुनि मोहित हो गए और नज़दीक गए ये बालक ने जब श्वास ली तो ये मारकंड मुनि उसके अंदर चला गया और अंदर जब गया तो पूरी ही सृष्टि के अंदर कई ब्रह्मांड कई अंदर लीला हो रही है देखा जो ये ध्यान से पहले देखा था फिर ये बालक ने जब श्वास बाहर निकाला तो मारकंड मुनि फिर बाहर आ गए और फिर ध्यान में जो डूबे हुए थे और जल में जो विलीन हो रहे थे ऐसा दृश्य देखा सुंदर सा जी ये किस्से से एक ये बात से इतना ही धामधनी बता रहे कि हम भी ऐसी तरह एक स्वप्न को देख रहे हैं क्या देख रहे हैं ये एक स्वप्न को एक मंडल हम देख रहे हैं हम आए ही नहीं तो जाने की कोई बात ही नहीं बस हम वहाँ बैठे हैं और वहाँ बैठे बैठे सिर्फ बस इतना ही मानना कि बस मैं एक ब्रह्मात्मा हूँ एक सुंदर साथ एक बस आत्मा हूँ मैं वहाँ से आई नहीं तो जाना ही नहीं है बस वहाँ से बैठे बैठे मैं खेल को देख रही हूँ और मेरे को मैंने मान लिया है कि मैंने यह तन धारण कर लिया मैं यही नगर में हूँ यही स्थान पर हूँ ये बच्चे ये परिवार जो भी हमने मान लिया ये हम किस में देख रहे हैं स्वप्न में देख रहे हैं सप्न जब टूटेगा तो ये कुछ है नहीं तो ऐसे मार्कंड मुनि के दृष्टांत से सुंदर साहद जी लालदा को जब ये बात बताई तो लालदासी भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये बात तो हमारी है हम भी परमधाम में राज्य के चरणों में बैठकर ऐसे ही एक खेल को देख रहे हैं और अंदर से उसकी आत्मा जागृत हो गई और जागृत होने के बाद सीधा क्या देखने लगा उसको अखंड ब्रज देखने लगा और रास देखने लगा और भागवत और जो गीता के गुज मायने अभी तक उससे खुला नहीं था भागवत में ऐसे कई गुज रहस्य अभी मैंने बताया ना कितने भी कि सुखदेव मुनि लिखा तो है लेकिन अभी तक ये कोई खोल नहीं पाया है तो ये रहस्य देखो पहले भागवत करते थे लालदासी तब ये रहस्य खुलते नहीं थे अभी जब दृष्टि परमधाम में मिलावे में जब पहुंच गई ब्रजरास की बातों को सुनकर तब क्या हुआ अंदर की आत्मदृष्टि दृष्टि खुल गई परम नाम में अपनी आत्मा जागृत हुई और सुंदर साधजी उसके बाद लालदासी श्री जी के चरणों में बस झुक गए और अपनी आत्मा को श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिए समर्पण कर दिए ये प्रसंग हमने ठट्ठा नगर का सुना और आगे धामधनी बता रहे कि मस्कत का समय हो गया है तो आगे सुंदर जी हम मस्कत की ओर जाएंगे क्योंकि अलग अलग स्थानों पर श्री जी सोच रहे कि भाई ब्रह्मात्मा अलग अलग स्थानों पर उतरी है एक ही जगह में बैठा रहूँगा तो यह काम बनेगा नहीं यहाँ आठ दस मास सुंदर जी पहले थोड़े दिन रुक आठ दस दिन रुक कर चले फिर तूफान आया फिर वापस ना आई फिर दो सिरदार जगी जगीन लालदासी के अंदर बैठी हुई आसमाई और चिंता मनी के अंदर बैठी हुई आत्मा और फिर आठ दस महीने रहे फिर आगे जाने का मस्कत की ओर जाने का मौसम वायदे पर जो शर्त लिखी थी सुंदर साध जी कि भाई आगे और आत्माएं क्योंकि धाम धनी ने पहले से शर्त रखी की, रखी थी कि आप खेल में जाओगे ना तो मैं जगाने के लिए मैं आऊंगा इसलिए तो धाम धनी ने बताया कि हमको खेल देखावन काज हमसे आगू आए श्रीराज हमको खेल देखावन काज हमसे पहले कौन आए इस ब्रह्मांड में सुंदर जी धाम धनी हम पहले नहीं आए ब्रज में भी पहले कौन आए गोकुल में जब वसुदेव जी लेके ले आए ना कृष्ण जी के रूप को तो जी के जब आवेश और अक्षर की आत्मा आई तब तो गोपिकाएं आई उसके बाद रास में भी धाम धनी ने बुलाया तभी हम गए और मोहम्मद साहब के अंदर राज जी के जोश और अक्षर की आत्मा आई चौथे दिन में श्यामा जी की आत्मा के साथ शक्ति आई और पांचवें दिन में भी सुंदर शाह जी धाम धनी पहले आए या बताया कि शर्त के वायदे के, के अनुसार काजी बांधे आप हुक्म के काजी उत हो इताए कॉल किया मोमिनोसो पालिया खेल बनाए क्या बताया बांधे आप हुक्म के धाम धनी अपने जो पहले से उसने एक शर्त रखी थी कि सुंदर साथ जी आप माया में जाओगे ने तो मेरे को भूल जाओगे घर को भूल जाओगे इतना ही नहीं स्वयं अपने निज स्वरूप को भी भूल जाओगे मैं आपको जगाने के लिए बार बार आऊंगा खिलवत में भी बताया कि कई धर्म शास्त्रों में आपकी साक्षियां भी लिखाऊंगा लेकिन आप मानोगे नहीं आप आग पानी पत्थर ये पूजते रहोगे और बोलोगे कि तुम हमारे कौन भगवान हो कौन परमात्मा हो हमारा परमात्मा खुदा तो हम जो आग पानी और जो पत्थर को पूजते आ रहे हैं वही हमारे खुदा है तो सुंदर साहद जी हमने वैसी लीला की ने धाम धनी ने व्रज में भी देखो आग पानी पत्थर से छुड़वाया ने इंद्र की पूजा बंद करवाई थी करवाई थी ने रास में धाम धनी ने अकेले हमारे साथ कितनी प्रेम की लीला की ठीक है सदगुरु धनी देवचंद्र जी के साथ भी कितनी प्रेम में लीलाएं हुई और पांचवें दिन की लीला की तो बात ही मत पूछो तो यहाँ शर्त के अनुसार मस्कत आए और मस्कत में कौन रहते सुंदर साध जी मावजी भाई और माऊजी भाई कौन है हम ठीक है उसकी एक दुकान थी जो दरिया के किनारे पर तो श्रीजी वहां जाके दुकान पे बैठे और अपने सूर्यवंशी लोहाना क्षत्रिय लौकिक नाते के संबंध से भी माऊजी भाई ने आदर सत्कार किया श्री जी का बहुत सम्मान किया और अपने घर घर ले गए और वहाँ विश्वनाथ भट्ट रूपाबाई राधाबाई जो बंधन से छुड़ छुड़ा कर उसने परिवार के लोगों ने जो बंधन से छुड़ा लिया था और सब आ गए थे तो उसको पता लगा कि श्री जी भी मस्कत में पहुँचे तो चलो हम उसको एक संदेश दे दे कि भाई हम तो छूट गए हमारे परिवार लोगों ने पैसे देकर छुड़ा दिया है तो सब ने समाचार दिया और सुंदरसात जी वहाँ चर्चा भी प्रारंभ हो गई श्री जी ने आगे आगे के घटनाक्रम जो नगर में आगे आगे जो दीव बंदर में जो जागणी हुई थी वो सब की बातों को रख सब बातों को रखा ये चर्चा साथ को बहुत मीठी लगी क्योंकि धाम धनी से मुखारविंद के मुखारविंद से होने वाली चर्चा तो किसको सुख ना दे किसको आनंद प्रकट ना करे तो वहां चर्चा होने लगी इतनी भीड़ होने लगी वहां कहा माऊजी भाई के घर पे बहुत से सुंदर जी वहां लोग आने लगे और लोग तो आने लगे लेकिन वहां दज्जाल ने शोर किया मैंने बोला ने कि दज्जाल शब्द बार बार धाम धनी लिखेंगे दज्जाल शब्द बार बार धाम धनी लिखेंगे कि वहां दज्जाल ने शोर किया लेकिन जिस तन में अक्षरातीत बैठे हो जिस तन में पांच शक्तियां श्रीराज जी के जोश आत्म दुल्धमूल वतन ये पांचों मिल भाई महामत वेद कति वो पहुंची या शरत एक सिर्फ अक्षर की आत्मा बाहर आ जाए ने मतलब एक शोर कर दे ने तो भी एक सुर का ठीक है असरा ने अक्षर की बुद्धि तो थी तो पूरे संसार को ज्ञान की सुगंधी मिली ने दूसरे सुर फूके तो क्या होगा सब विस्त में अखंड मुक्ति के स्थान में पहुंच जाएंगे यहाँ बताया कि अक्षर की आत्मा बैठी है श्रीराज जी के आवेश जिस तन में बैठे हैं मूल स्वरूप के और श्यामा जी की आत्मा बैठी है ऐसी पांच असराफील की बुद्धि बैठी है तो इस तन को कोई भी बाल भी वहां किसी का बस चलता नहीं और सुंदर जी इस टाइम पे कुछ नहीं हुआ और माऊजी भाई भी ऐसे चर्चा में मशगूल हुए मतलब चर्चा इतनी रस से सुनने लगे सुनते सुनते पूर्ण पहचान अभी हुई नहीं है किसको को जी भाई को ये किसकी बात है सुंदर साद जी हमारी ये माऊजी भाई की बात नहीं है धामधनी बार बार अलर्ट क्यों कर रहे हैं यह माऊजी भाई की बात नहीं है सुंदर जी हमारी है हमने कितनी बार चर्चा सुन ली लेकिन इस स्वरूप की पूर्ण पहचान हम नहीं कर पाए हैं तो बीच में सुन्दर जी चार किरणतन वहाँ उतरते हैं किरणतन ग्रंथ के क्योंकि वाणी है ना सुन्दर जी हमारी तारतम वाणी ब्रह्मवाणी वाणी वाणी और रास प्रकाश खटरुति और कलश की दो चौपाइया हवसा में उतरी जामनगर में ठीक है और कलश गुजराती कलश पूर्ण होगा सूरत में और कलश के बाद सनन अनूप शेर में मैं एक बार पूरी बात बता दूँ यहाँ आगे आएगा और किरणतन जामनगर से लेकर पन्ना तक जिस जिस स्थान में शहर में श्री जी जाएंगे वहाँ वहाँ जैस जैसे जैसे आत्माएं मिलती जाएगी देखो कहीं कहीं कबीरपंथी मिले अभी वेदांत के आचार्य मिलेंगे ठीक है वहाँ भागवत गीता के मिले ध्यान में आ रहे हैं जी अलग अलग आचार्य गद्दीपति विद्वान वहां वहां जी सर्वदेशी चर्चा करते हैं एक देशी थोड़ी करते हैं जैसे मान लो कि अभी चिंतामणि मिले तो कबीर की साखी पर बात ली लीजय ग्रंथ पे ली दे वहां अभी आगे भीम भट श्याम भट्ट मिलेंगे तो वेदांत पर चर्चा लेंगे छह दर्शन में एक वेदांत दर्शन है ना हमारा तो यहाँ श्री जी सर्वदेशी चर्चा लेते क्या सर्वदेशी चर्चा लेते हैं तो यहाँ श्री जी चार किरणतन तो किरणतन ग्रंथ जामनगर से लेकर जैसे जैसे स्थान में गए जैसे जैसे आत्माएं मिली वैसे वैसे वहाँ किरणतन और वाणी उतरती गई और किरणतन के बाद खुलासा रामनगर में और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी और माधवासागर रामनगर से खिलवत की थोड़ी कुछ वाणी शुरू हो गई थी बीतक साहब ने बताया लेकिन सब पन्ना में उतरी ठीक है इसलिए पन्ना परम धाम सुंदर जी और मार्फत सागर भी सत्रह में पूर्ण हो गया और उसके बाद क्यामत नामा तो बड़ा क्यामतनामा सत्रह में चित्रकूट में बसंत सुर्खी लेके जाते हैं वहां चित्रकूट में बड़ा क्यामत नामा भी वहाँ उतरते हैं और छोटा क्यामत नामा पन्ना में उतरते हैं समझ में आ गया जो हमारे चौदह ग्रंथ की चौदह किताब की जो हमारी अखंड ब्रह्म वाणी श्रीतार्थम वाणी कुलजम वाणी तो यहां किरंतन चार उतरते हैं रे तू न भूल महामत रे वो दुनिया बावरी खोबत जन्म गवार रे भूल न तू मन महामत और रे दुनिया को तू कहां पुकारे ये तो अपने काम में सब सियाना और चौथा किरंतन है चलियो जुग रे शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद चलियो जुग जाये रे शुद्ध बिना यहाँ बताया कि हे महामती इंद्रावती अपनी आत्म को स्वयं को कह रही है कि इंद्रावती अपनी आत्मा को हे आत्मा तो दुनिया को क्यों बार बार पुकार कर रही है ये तो सब अपने काम में सियान है मतलब होशियार है प्रवीण है चतुर है ये आपकी बातों को मानने वाले नहीं है ये सब अपने कामों में माया में इतने मस्त है माया के सुखों में इतने मस्त है और तू तो अपने प्राणेश्वर को याद कर तेरे को तो अपने धाम धनी का दर्द तेरे को तो अपने धाम धनी का विरह सता रहा है तू क्यों बार बार संसार के लोगों को थोड़े दिन ठठानगर में पुकारती है थोड़े दिन बंदर में पुकारती है थोड़े दिन कहाँ कहाँ नब्बी पोरबंदर है कपई मंडई सबको ठपकाराने फटकार लगाई ने सुंदर साद जी श्री जी ने तो यहाँ इंद्रावती अपनी आत्मा को कह रही है कि हे आत्मा तू रे रु कछु न करे तू अपनी तू ऊर्जी उमत माहे उमर गई तेरी गुण सिफत में तो यजू ईसक आया तू कहाँ तक दुनिया को पुकार करती रहेगी यहाँ भी बताया कि कहाँ मतलब आज छठे दिन में भी अलग अलग स्थानों में यही तो पुकार हो रही है किसकी बात है तभी की बात है ना बीत तक सुंदर साजी खत्म नहीं हुआ है बीत तक चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक इस ब्रह्मांड में हम ब्रह्मात्माए रहेगी जब तक साकुंडल और सकुमार नहीं जगेगी तब तक सुंदर साजी ये ब्रह्मांड रहेगा और तब तक ये तक भी चलती रहेगी ये तक अभी खत्म नहीं हुई है हम अब तक ये तक को किस पर घटा रहे थे कि भाई ये तो माओ भाई की तक है ठीक है ये तो चिंतामणि की भी तक है सुंदर सा जी ये हमारी भी तक है किसकी है ये हमारी भी तक है ये किसी की भी तक नहीं है एक एक बातों को लेकर हमारे जीवन में सुंदर सा जी और हमारी जर्नी को और हमारी यात्रा को आगे बढ़ाना है तो यहाँ बताया फिर आगे बताया कि रे वो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गवार मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार रे वो दुनिया बावरी मतलब पागल ये तो अपने माया के सुखों में इतनी बावरी इतनी पागल बनी है कि तेरे शब्द को कोई सुनेगा नहीं अपने यहाँ के जुठे सुखों में हो के बंधन में इतनी फंसी हुई है उसको पता ही नहीं कि इतना अमोलक रत्न समान ये तन मिला है इतना कितनी योनियों के बाद शिवरामनाथ जी ने बताया ने आ, आ, पुराने किरणतन में 125 नंबर के किरणतन ब्रुथा का निगमोरे अनेक वार तरफड़ी मारी दुखा देखी आव्या लाख चोरासी भामी ने आय लाख चोरासी भामी ने आय मध्य देश व्यापार था का नीगमो रे पामी पदारथ जा सुंदर सा जी चार पदार्थ मिले ये इसमें साथ में कलयुग सातवें मनवंतर के में कलयुग की चोकड़ी में हमको ये चार पदार्थ क्या क्या मनुष्य तन भरत खंड ये कलयुग और ये ब्रह्मवाणी ये हमको कह रहे हैं किसी को नहीं कह रहे और भी आगे बताया कि मान खे देह अखंड फल पाइए पाई के क्यों रुथा गई ये तो अधखिन को है अवसर तू गमावत माज निंदर अरे भाई कितने देर तक तू निंद्रा में सोता रहेगा बार घंटे की निंद्रा की मैं बात नहीं कर रही हूं ये तो सुबह को खुल भी जाएगी पांच बजे छः बजे देर से देर सात बजे भी खुल जाएगी क्या निंद्रा की बात यह करे धाम धनी अग्नता रूपी निंद में हम आज सोए हैं न सु जी और भी आगे बताया आओ अवसर के भूलिए एक कोलिया अन, ते माते आप मुंजाई कई कोट करो भी घन ये सब पुराने किरणतन में बताया है कि खाने के लिए कितना चाहिए ये कोला मतलब एक बाइट इतने छोटे से टुकड़े में तो अपना पेट भर जाएगा धामदनी बता रहे हैं कि सुंदर जी रात दिन बस ये माया के पीछे लगे हो कभी भी माया किसी की नहीं हुई है आपकी भी नहीं होगी जितने भी कोठी बड़ी बड़ी बना लो जितनी भी बना लो एक नहीं जितनी भी गाड़ी बड़ी बड़ी कारें खरीद लो जितने भी बिजनेस बड़े बड़े कर लो लेकिन एक दिन तो आपको जाना ही है और खाने के लिए आपको कितना चाहिए आज देखो बड़े बड़े राजा यहाँ के सम्राट राजा जो हुए वो उसने भी अपना राज दरबार छोड़ दिया ने आज वो छवा चिड़िया के घर बन गए ठीक है किसी का कुछ नहीं है सुंदर साजिए किसको प्रबोध कर रहे हैं हमको और आगे बताया कि तू भूल ना महामत महामत यानी आत्मा को बोल रहे ही उसकी शोभा है इंद्रावती की आत्मा की कि तू अपने को ना भूल अपने को जो टाइम मिला है ना तू अपने प्राणेश्वर को याद कर ले अपने धनी को याद कर ले बार बार तेरे को यह अवसर मिलने वाला नहीं है किसको बता रहे हमको बार बार ये अवसर क्योंकि पता ही नहीं इसके बाद हमारा समय है या नहीं ठीक है हमारी उम्र की जो श्वास के साथ उम्र है ना हमारी सुंदर जी जितना श्वास लिखा हुआ है जितनी उम्र लिखी हुई इतने टाइम तक ही हम यहां रह पाएंगे ना तो यहां धाम धनी बता रहे कि तू तो भूल न महामत और आगे बताया चलियो जुग जाहिर शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना यहां संसार के जीव क्यों तीन बार बोला थाम बार बार एक एक बात को तीन तीन बार क्यों ले रहे हैं सुंदर साथ जी हमारा ब्रह्मांड भी कितना बना तीन ब्रज रास और जागनी ठीक है बार बार तीन तीन बातों को अभी भैरव साठ का आएगा उसमें भी तीन दिन ले गए आगे पनिहारी का आया था ने सुंदर साहद उसमें भी तीन तीन अंतिम बताया क्यों बताया कि भाई किसी को बुलाने के लिए किसी को बोले कि भाई हमें तीन बार आया बस अंतिम है अभी तू समझ जा यहां भी बताया के तीन ब्रह्मांड चल रहा है तो चलियो जुग एक बार सुधी बिना दूसरी बार भी सुधी बिना तीसरी बार ये जो शुद्ध मिली मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे तीनों गुण सो पांचों में प्रसरे हुई अंधेरी चौदे भवन तो यहां बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक मूल प्रकृति से जे उससे कारण प्रकृति और उससे ब्रह्मांड बना है एक दिन महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा तो इंद्रावती ये अपनी आत्मा को कह रही है कि तू बस अपने प्राणेश्वर को याद कर ले तो सुंदर साधजी ऐसे चार किरणतन का वहाँ अवतरण होता किरंतन ग्रंथ के और बाद में माओजी भाई चर्चा तो सुनते हैं श्री जी को एक दिन दिखाई दिया कि माओ जी भाई रोज आके साढ़ा तीन बजे यहाँ बैठ तो जाते हैं लेकिन अभी तक पुराना पहचान हुई नहीं है तो चलो आज मैं उसकी खंडनी कर दो मतलब उसकी आत्मा को अलर्ट करो सावधान करो जागृत करो खंडनी मतलब आज हम सुंदर साथ भी ऐसा सोचते ना कि भाई आ, कोई प्यार प्यार के वचन से न माने मैंने कल बोला बोला था मीठी जुबा मीठे मीठा रूह मीठा प्यार मीठी रूहे मीठे अरस को मीठा करे विचार आज धामधनी खंडनी के वचन से और बात बता रहे क्या बता रहे कि हम सुंदर साध्वी भी कई बार के कोई सुंदर साद को हम समझाते ना तो प्यार के वचन से नहीं मानते ना तो हम थोड़ा कठोर कत, वचन से समझाते हैं न लेकिन सुंदर सा जी धाम धनी ने वाणी में बताया कि कठोर वचन से नहीं जगी खंडनी कर खींचे जागे नहीं इन पर मूल घर दिखाइए तब पीछे रहे क्यों कर किसी की खंडनी मत कीजिए उसको प्यार से समझाइए बस उसको मूल घर की आप पहचान ने बार बार उसको खिलवत में डुबोइए मूल मिलावे में डुबोइए सागर श्रृंगार स्वरूप में डुबोइए नक्श सिख तक उसको डुबोइए बार बार प्यार भरे वचन कहेगे ने तो सुंदरसाद जी वो जागृत होगा खननी की शोभा ये महानती को मिली है यहाँ बताया कि धामधनी वाणी में भी कहते हैं कि दुख न देहु फूल पाखड़ी दुख न देहु फूल पाखड़ी देखूँ शीतल नैन उपजाऊ जाऊ सुख सबो बोलाऊ मीठे दुख न देऊ आपको एक फूल की पंखुड़ी कितनी हल्की सी होती है मैं इसको सुंदर साथ को ऐसा मारू ने तो उससे जो एक थोड़ी चोट लगे इतना भी दुख मैं देना नहीं चाहता हूं क्या बोला दुख न देऊ फूल पाखड़ी देखू शीतल नैन मैं उसको इसी शीतल परमधाम की नूरी नजर से प्रेम में नजर से अमृत में नजर से देखना चाहता हूँ उपजाऊ सुख सबो अंगों मतलब ये मीठे वचनों से चर्चा करके सुंदर साथ के दिल में अनेक विध के सुख उपजाऊ बोलाऊ मीठे बहन क्या बोला मैं मीठे मीठे वचनों से उसके साथ बात करूंगा मैं क्यों उसको कटु वचन कहूँ मैं उसको क्यों कठोर वचन कहू ये मेरी शोभा नहीं है सुंदर साद जी यहाँ माऊजी भाई की खंडनी करते हैं माऊजी भाई को पूर्ण पहचान नहीं हुई है तो माऊजी भाई रूठ जाते हैं और अपनी जो दुकान है उसके बेटे कांजी वो घर पे रहते हैं और माऊजी भाई कहाँ चले जाते अपनी दुकान पे और रात को तभी चर्चा में आते नहीं है ये किसकी बात है हमारी किसकी बात है सुंदर साद जी हमारी हम भी कई बार लगते ना कि भाई चर्चा में देखो ऐसा वचन कहे जाना नहीं है, नहीं है हमारे लिए ही बोल रहे थे देखो ये हम कोई बस आधार बनाकर ये बोल रहे थे सुंदर सा जी धामधनी ने कुछ देखा होगा ने तभी ये वचन अंदर से निकले होंगे तो आपको अपनी आ, बस अपने पर ले लेना कि नहीं धामधनी मेरे अंदर कोई ऐसी आदतें होगी या मेरे अंदर कोई ऐसी गलती होगी तभी तो धामधनी ने यह वचन कहने पड़े तो मैं इससे रूठ नहीं जाऊंगी तो सुंदर पर चले गए और तभी चर्चा में नहीं आए रात को राज ने मारा तमाचा क्या बताया रात को राज ने मारा तमाचा मावजी भाई को जी के जोश के स्वरूप ने ऐसे तमाचा मारा ऐसे चोट मारी कि एकदम वो पथारी से अपने बेड से उठ गए और सोचने लगे कि अरे सही में मेरे को किसी ने ये सपना तो नहीं देख रहा हूं ने सपने में तो किसी ने चाटा नहीं मारा ने नहीं नहीं ये रात को राज ने राज ने लालदासी ने क्या बोला राज ने मारा तमाचा फिर अंदर से पश्चाताप होने लगा कि चौकस आज मैं निश्चित रूप से श्री जी के चर्चा में मैं नहीं गया आज मैं उससे रूठ गया तो यही धाम धनी के जोश के स्वरूप ने मेरे को छाटा मारा है तो जल्दी जल्दी पहले जल्दी से परोढ़ उठकर वो श्री जी के पास चले गए और श्री जी का दरवाज़ा खटखटाया और उसके चरणों में एक मंद मंद स्वरों में प्रार्थना करने लगे और गिड़गिड़ाने भी लगे कि हे धनी हे धाम के धनी मैं आपको पहचान नहीं पाया क्योंकि मेरे अंदर अभी चर्चा गई नहीं थी मतलब पूर्ण पहचान नहीं हुई थी पहचान नहीं पाया इसलिए तो मैं रूठ कर दुकान पे चला गया आप इतनी कृपा के सागर मेहर के सागर कृपा के निधान मेरे को जगाने के लिए यहां तक आए हम बोलते ने कि मेरे अंदर तो बहुत अवगुण है आप तो गुण भरे निधान हो आप तो कृपा के सागर हो इंद्रावती भी कहती है ना रोम रोम कई कोट अवगुण ये तो मैं कहीं गिनती लेकिन गुने को ना ही शुमार सुंदर सा जी ये बात हमारे पर हम ले क्या बता रहे धाम धनी यहां माऊजी भाई ने जो यहां क्षमा मांगी और बताया तो ये चाटे क्या हमारे जीवन में हमारे पर नहीं पड़ते क्या कई बार कई तरह से चाटे हमारे पर भी पड़े हैं लेकिन हम माऊजी भाई की तरह अलर्ट तो हम माऊजी भाई भी नहीं बने हैं अभी समझ में आया माऊजी भाई तो अलर्ट हो गए ये तो सावधान हो गए सुंदर जी उसने तो अपनी आत्मा को श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया तो यहां माऊजी भाई सुंदर साहद जी सावचेत हुए और श्री जी के चरणों में तो इस प्रसंग के हम हमको बता रहे हैं कि भाई तुम भी सावचेत हो जाओ हमारे जीवन में ऐसी कई छोटे मोटे कष्ट आते हैं दुख आते हैं ये चाटा तो है ऐसे थोड़ी जाहरी चाटा मारेंगे तो हम क्या करते हैं मन्नत मांग लेते है, और हैं और धामधनी पर दोष के टोप भाई धामधनी तुमने मेरा ही बुरा किया क्या पड़ोसी नहीं दिखाई दिया तुमको समझ में आया चाटा मारकर धामधनी क्या बता रहे हैं कि तुम सावधान हो जाओ तुम धाम धनी, तुम्हारे पर कितनी कृपा कर रहे हो कर रहे हैं और तुम ये बात को समझ भी नहीं पा रहे हो कि जिसके चरण कमल से पूरे संसार की मुक्ति होने वाली है और ये धाम धनी ने हमारी साक्षिया संसार के सभी धर्म शास्त्रों में लिखी है कि ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज थके त्रे गुण कई विध करी तपस्या यो कहवत वेद वचन तो आ इतनी बड़ी हमारी गरिमा इतनी बड़ी हमारी महिमा इ हमारी पर बस कृपा हम अवगुण करते रहे बार बार धामधड़ी हमारी पर कृपा करते रहे ये दया के सिंधु कृपा के सागर हम पहचान नहीं पाए तो यहाँ सुंदर सा जी मावजी भाई समर्पित हो गए श्री जी के चरणों में उसको ये चर्चा बहुत मीठी लगी फिर तो बार बार जी के चरणों में ही चित लगा रहता था बस उसको चितवनी करना चर्चा सुनना अवलौकिक भ्रम ज्ञान की इसके सिवा कोई काम नहीं था फिर धामधनी ने बताया कि घर के लोग दज्जाल के रूप बने होता है ना कल भी मेरे को एक दीदी बता रही थी कि दीदी कोई बहने बिचारी चुप चुप करके भी मतलब पति को पता ही नहीं होता ऐसे ही आती है तो आप ऐसा करो लो साढ़े तीन से पाँच बजे तक लो तो ये बात भी आगे आएगी भैरव सेठ के प्रसंग में लेकिन सुंदर जी यहाँ धामधनी क्या बता रहे हैं कि मतलब दज्जाल तो अपना कार्य करता रहेगा ये प्रहार करेगा जब हम जितना धामधनी के नजदीक जाएंगे ने तो कोई कोई तो माया रूप लेगी ही लेगी लेकिन आपका आत्मिक बल बढ़ाना है क्या करना है आपका आत्मिक बल बढ़ाना है हमारा आत्मिक बल क्यों नहीं बढ़ रहा है सुंदर जी क्योंकि हम धामधनी की ओर आगे बढ़े ही नहीं हम वो रस में डूबे ही नहीं हम चितवनी के रस में डूबे ही नहीं हम वानी के रस में डूबे ही नहीं या माऊ जी भाई चर्चा चितवनी में डूबने लगे सुंदर साथ जी तो घर के लोग द जाल के रूप बने लेकिन माऊ जी भाई उसकी ओर देखते भी नहीं है वो तो बस पूरा दिन श्री जी की सेवा चर्चा चितवनी ऐसी लीला होते होते बहुत टाइम बीत गए मस्कत में सत्रह सौ अट्ठाईस का भी टाइम पूरा हो गया और आगे जाने की सुंदर सा जी अब्बासी बंदर की ओर जाने की धामधनी ने प्रेरणा कर दी श्री जी को क्योंकि हमारी आत्माएं एक जगह नहीं उतरी है तो यहां कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा तो जो बंधन में बाजूराज के साथ बहुत सुंदर साथ गए थे ना तो कोई कोई सुंदर साथ तो छुड़ा लिया था अपने परिवारों ने लेकिन अभी तेजकुरी जी और साथ नहीं छूटे थे तो जो दरोगा था ये बार बार सुंदर जी सूचना लेकर वहाँ आता था क्या श्री जी के पास आकर बैठ जाता था उसकी चर्चा सुनता था और बार बार बोलता था कि भाई आपकी जो धर्मपत्नी और और सुंदरसाद भी जो हमारे बंधन में अरबी लुटोरे के तो आप छुड़वा लीजिए ने आपको उसकी चिंता नहीं है क्या उसकी फिक्र नहीं है क्या तब श्री जी क्या जवाब देते थे पता है सुंदर सा जी उस प्रसंग से हमको यही सीख लेनी है क्या ठीक है उस तन में तो अक्षरातीत है बाती मत छोड़ बात ही मत करिए लेकिन आ, मैं इतनी बात तो जरूर कहूँगी कि श्री जी के, के मुखारविंद से जो वचन निकले आज मैं भी देख रही थी तो मेरे को बहुत अंदर से गहरी चोट लगी कि श्री जी ने बोला कि मैं बंधन में, में आए हुए लोगों की मैं क्यों चिंता करूं उसका चिंतक तो पर ब्रह्म है वो छुड़ा देगा भले यहाँ लौकिक नाते तो तेजकुरी जी मिहराज का धर्म पत्नी है ने लेकिन आज इसके अंदर बैठी हुई जो इंद्रावती की आत्मा ने पहचान कर ली है उसके अंदर से जो सुंदर सा जी वचन बोले जा रहे हैं कि मैं उसकी क्या चिंता करूं उसकी क्या फिक्र करूं तो ये सुन के दरोगा भी हैरान हो जाता था वो सोचता था कि देखो ऐसे अलौकिक महात्मा महापुरुष तो मैंने देखे भी नहीं है ये तो अपने घर के लोग भी बंधन में है उसको तो कोई चिंता भी नहीं है तो दरोगा इस बहाने आता था लेकिन क्या बहाने आते थे चर्चा सुनने के लिए भले आ, बार बार ये आ, बोलते थे कि भाई उसको छुड़ा लो लेकिन किस बहाने आते थे चर्चा सुनने के लिए आते थे इस टाइम पे सुंदर सजी भैरव सेठ जो अबासी बंदर में रहते हैं ना उसको पता लगा कि भाई सब जाति के लोगों ने सबको अपने अपने पैसे देकर छुड़ा लिया है लेकिन लोहाना सूर्यवंशी लोहाना क्षत्रिय जाति के लोगों को अभी किसी ने नहीं छुड़ाया है तो मैं भी अपनी जाति में थोड़ा मान प्रतिष्ठा या सम्मान मिले तो मेरी कोई गरिमा आगे बढ़े तो इस भाव से उसने बोला कि जाओ तो मस्कत में अपने आदमी को भेजा कि ये लोगों को छुड़ाने के लिए वहां की अरबी मुद्रा कितनी लाहरी देनी पड़ेगी तो ये लोगों के आ, मस्कत में भैरव सेठ अपने आदमियों को भेजते हैं वहां से सूचना जाती है कि भाई सत्रह हजार लाहरी देनी अरबी मुद्रा देनी पड़ेगी तो भैरव सेठ अपनी जाति में भले मान प्रतिष्ठा ठीक है अपनी गरिमा बढ़ाने के लिए सुंदर जी हम भले इस भाव से तो सेवा करें समझ में आया भैरव सेठ आगे जाके वो भी जागेंगे लेकिन अभी श्री जी के वचन भी नहीं सुने हैं श्री जी नहीं मिले हैं ठीक है थीके? हम कितने सालों से चर्चा सुनते हैं और हमारी कुर्बानी क्या है सर एक हमारे राज्य के प्रति हमारे संप्रदाय के प्रति एक धाम के प्रति या सुन्दरसाद जी कोई भी हमारी संस्था के प्रति या हमारी गुरबानी अम बस अमन अंदर जाके के कि अभी भैरव सेठ ने श्रीजी के मुखारविंद से चर्चा भी नहीं सुनी है तो भी सितर हजार सत्रह हजार लाहरी दे के छुड़ा के मस, मस्कत से कहाँ लाते हैं अबासी बंदर में और हम अबासी बंदर में प्रवेश करें तो अबासी बंदर में सुंदर साह जी भैरव सेठ रहा करता था और वहाँ पहुँचे श्री जी और जो आदमी लोग से सत्रह हजार लहरी लेके गए थे तो बाजूराज और सबको छुड़ा कर लाए सब आबासी बंदर में मिलते हैं और वहाँ सेठ अपनी लोहाना क्षत्रिय जाति के लौकिक नाते उसने भी सम्मान किया आदर सत्कार किया श्री जी का और पास में एक हवेली एक स्थान रहने के लिए दे दिया और वहाँ श्री जी का तो क्या काम बस चर्चा चर्चा और चर्चा चर्चा के सिवाय तो और कोई काम है ही नहीं सुंदर साहद जी तो वहां चर्चा करने लगे तो भैरव सेठ इतनी रस से चर्चा सुनने लगे और श्रीजी किस विषय पर चर्चा कर, करने लगे ब्रज रास और धाम की बस यही बात सूरत तक चलती रहेगी सुंदर साजी जी मेरता से आगे सिद्धपुर से थोड़ी आगे कते परंपरा का ज्ञान भी शुरू हो जाएगा यह ब्रज की बात शुरू की क्या की सेठ के सामने और रास की और किरण भी सुंदर साजी शुरू कर दिए ब्रज रास धाम की बातें शुरू कर दी सेठ ने सुनी सुनते सुनते दो पहर हो गया फिर भैरव सेठ अपने घर पे गया साथ श्री जी के साथ पास में जो हवेली दी थी वहाँ ठहराया वहाँ सब भोजन सब सबों ने आरोगा और आरोग्य के बाद फिर श्री जी चर्चा शुरू कर दी देखो आराम श्री जी कहीं भी करते नहीं है फिर श्री जी ने ब्रज की रास की तो फिर भैरव सेठ सुनने लगे सुनते सुनते संध्या हो गई फिर रात्रि हो गई फिर रात्रि के बाद सुबह का उजाला होने लगा भैरव अपने घर गया सुंदर शाह जी रात्रि को और सुंदर शाह से उठने के दंत धावन के लिए उठा फिर श्री जी चर्चा शुरू कर दी भैरव सेठ और संगी कई लोगों को लेकर वहाँ आए और फिर चर्चा सुनने लगे वहाँ एक मुल्तान के दो सत्संगी आए जो कबीर की पोथी रखते थे उस पर भी श्री जी की बहुत गहरी चर्चा हुई धामधनी हमको क्या बता रहे सुंदर सा जी के ब्रज और रासलीला का वर्णन सुनते सुनते भैरव सेठ इतने गलतान हो जाते हैं इतने गलतान हो जाते हैं सुंदर सा जी लेकिन उसके अंदर जो कोई बुरी आदत है क्या चर्चा तो बहुत सुनी लेकिन पहचान क्यों नहीं हुई यहाँ भी बताया कि पीऊना तमाकू छोड़ दो मांस मछली सब शराब और सबके परदारा चोरी न कब यहां बताया सुंदर साहद जी क्योंकि श्री जी ने बोला कि भैरव सेठ आपने हमारी बहुत सेवा की कितने लोगों को सत्तर हजार लाहरी दे के छुड़वाया यहाँ भी इतने सुंदर साहद की खाने पीने की और मेरी सब की सेवा आप कर रहे हो तो मैं आपका ऋण कैसे अदा करूं जो इससे आपको एक सुख अवलौकिक सुख प्राप्त हो तो भैरव सेठ ने बोला कि श्री जी नहीं आपने तो बहुत अवलौकिक ज्ञान की चर्चा की मेरे को बहुत सुख दिया तो बोले कि नहीं नहीं सुख तो बहुत दिया लेकिन आपके अंदर मेरे को जो कई आदत दिखाई दे रही है खराब जो कुटे दिखाई दे रही है तो ये जब तक नहीं निकलेगी तब तक भैरव सेठ आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी तो सुंदर जी यहाँ चार बातों का परहेज कराते हैं कि हे भैरव सेठ सेठ हुक्का पीते थे क्या करते थे हुक्का कल मैंने बताया था न यहाँ से जर, जब स्मोकिंग करते ना, तो उसका धुआं बहुत दूर निकलता ऐसे हुक्का भी कई राजमहल के म्यूजियम में होता है तो शुद्ध साजी यहाँ बताया श्री जी ने कि भाई चार बात का परहेज करो और एक महीने के लिए कितने टाइम के लिए एक महीने के लिए और रोज बस तीन घंटे सुनना कितनी तीन घंटे एक महीने सुनना जो आपके आत्मा इससे जागृत ना हो तो तुम तुम्हारी माया मिने सहजे भोगो जो सुख जे माथे ले से तेने कहू छू बीजा माँ जो दुख तुम तुम्हारी माया मीने सेज़े सेजे जो सुख क्या बोला जी ने क्या भैरव सेठ एक महीने के लिए बस परहेज करना है जो एक महीने के अंदर आपको ब्रज का रास का और परमधाम का दीदार ना हो तो आप बस अपने घर चले जाना और मैं अपने फिर इंडिया मतलब विदेश चला जाऊंगा तो यह हिंदुस्तान चला जाऊंगा तो यहाँ श्री जी ने बोला कि भाई पीऊ ना तमाकू क्योंकि दरिया के किनारे पर रहते थे ना तो इसके अंदर मांस भी एक बुरी आदत होती और शराब पीते मांस खाते मैंने कल उसका थोड़ा विस्तार से कर दिया था आज उस पर मैं ज़्यादा बातों में नहीं जाऊँगी सुंदर चिंतामणि का जब लिया था तभी थोड़ी कुछ बातें ले लेंगे और बताया कि दूसरी स्त्री को माता समान या बहन समान मानो

बीजा ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार जमा जमानो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं तो यहाँ यह भी बताया सुंदर साजी जी और बताया आत्मवत सर्वभूतेशु यह अप्य पंडित ये पश्यंती पंडित सबके अंदर एक आत्मा को देखते हैं वो ही पंडित कहा जाता है जन्मजात पंडित नहीं कर्म के आधार पर पंडित जन्मजात पंडित नहीं तो यहाँ बताया सुंदर साहद जी क्या बताया कि भाई चोरी ना करो झूठ ना बोलो और मुझे स्वामी जी भी कई बार हमको बस ये ध्यान के बारे में चितवनी के बारे में बात बताते तभी बोलते कि भाई सात्विक आहार आहार शुद्ध सत्य छंदोग्य उपनिषद में लिखा कि आहार शुद्धो सत्व सुदी जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं बनेगा मतलब बासी खुराक या लहसुन या प्याज ही? कोई स्पाइसी दिखा ज़्यादा तेल वाला अब खाओगे तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा आपका चित्त के अंदर संस्कार जो बने हैं वो दूर नहीं होगे क्योंकि बुद्धि क्योंकि चित्त चित के संस्कारों पर बुद्धि काम करती है और मन तो इंद्रियों के राजा है तो मैंने कल ये समझा दिया था सुन्दरसाज जी तो धाम धनी या चार बातों का परहेज चिंता ये और सेठ को करवाते हैं और सेठ चर्चा सुनने लगते हैं ध्यान से पहले ब्रज की बात पहले दिन ब्रज की बात सुनी दूसरे दिन रास की बात सुनी तीसरे दिन परम धाम की पहले दिन ब्रज की बात क्या सुनी तो बताया कि हे भैरव सेठ आपकी आत्मा ब्रज के अंदर एक गोपिका के रूप में आई थी घर में कितने काम थे तो भी श्री कृष्ण जी के रूप में अक्षरातीत स्वयं लीला कर रहे थे तो वहां से एक पल उससे जुदा नहीं हो पाती थी एक पल की जुदागी उसके लिए वर्षों के समान जाती थी तो हे भैरव सेठ आज आप ऐसे नशे में डूबकर आपकी आपका जीवन आप क्यों व्यर्थ में गमा रहे हो और आपका चित्त इतने काम करते थे तो भी संसार के प्रति उदास रहता था और आपका चित्त धामधनी के चरणों में लगा रहता था इतना ही नहीं जमुना जी के किनारे पर तट पर हम जब सब सखिया वाला जी के साथ ब्रज में कैसे लीलाएं करते थे जो बारह वनों की बात बताई है जमुना जी का जल उज्वल मिश्री से मीठा दूध से उज्जवल और साथ जी किनारा भी मोतियों जो जो बालू है मोतियों की तरह चमक रही है पास के किनारे भी कई प्रकार के पशु पक्षी जानवर कई अपनी अपनी मधुर आवाज में धनी धनी की पुकार कर रहे हैं तो है भैरव सेठ इतना ही नहीं और आगे भी बताया हलोवालो गेहली बात करी एने कोई मारवाला दूरी जान देखता भैरव सेठ को बताया कि हे भैरव सेठ ब्रज के अंदर ये प्रेम में पागल गहलो मतलब प्रेम में पागल ये प्रियतम ये प्राणनाथ जो गांव के लोग तो दुरीजन क्यों कहा क्योंकि ये लोगों को तो ये पसंद नहीं थे क्योंकि जिसको प्रेम की पहचान ही नहीं है संसार के जीवों को तो उसको कैसे पता लगे तो यहां सखिया ने बोला कि दुर्जन देखता हमने बोलावे नीलज ने धुतारो वाला जी को क्या कहा हमने ये तो नीलज है ये धुतारो है हम ऐसे बोलते थे या बैरोसेट को समझा रहे और अभी किसको बोल रहे किसको समझा रहे अभी हमको समझ में आया कि और बताया कि वालो जी नित्य उठी ने मेरे आंगन है उबो मतलब रोज सुबह को उठकर अपने घर में भी बहुत गाय दूध देती थी लेकिन दूध का दोन वहां भी बहुत गायों का था तो भी सखियों के दिल का मक्खन चुराने के लिए सखियों के दिल चुराने के लिए वो मक्खन नहीं चुराने के लिए वालों रोज ही नित्य आंगन में खड़ा हो जाते थे इतना ही नहीं और क्या सखिया बोलती थी कि काना हे कृष्ण जी तू चले जा लाला क्योंकि हम कुल बध मतलब हमारा तो पति सास ससुरा ससुर ननंद तो सबका डर है ना ये लोग क्या मानेंगे और ऐसी तो कई लीलाएं ब्रज में हुई उसके बाद बताया कि रास में गए तो रास में धाम धनी ने करताल की रामत में कोनिये की रामत में गुमलड़े की रामत में आंख मिचामनी की रामत में कई आम आम की रामत में कई सुख दिए हे भैरव सेठ आप भूल गए ये सुख को क्या दूसरे दिन ये बताया वो तीसरे दिन कि हे भैरव सेठ उससे आगे ब्रज के बाद रास आया कहा आया है हद का ब्रह्मांड छोड़ दो पहले दिन जब बात की ना ब्रज की और रास की तब बताया कि पौराणिक मान्यता के आधार पर अतल वितल शुतल तलातल महातल रसातल और पातल ये ऊपर का लोक मृत्यु लोक आठवा ऊपर भोर लोक पितृलोक महर लोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक अष्टावरण महतत्व ज्योतिष स्वरूप ज्ञान शक्ति गायत्री सात शून्य और आदि नारायण ये पौराणिक मान्यता के आधार पर बताया बताया कि नारायण को छोड़कर ऊपर बेहद भूमि का जो शुरू होती है अव्याकृत ब्रह्म जो अक्सर ब्रह्म के मन का स्वरूप उस मन के स्वरूप में जो अव्याकृत सबलिक के स्थूल और अव्याकृत के महाकारण सबलिक के स्थूल और अव्याकृत के महाकारण में जो वेदों का मूल स्थान है तो ये वेद रुचाओं ने जो मांगा था तो ये लीला जो यहां प्रतिबिंब की हुई और अव्याकृत के कारण शरीर में ब्रजलीला प्रतिबिंब की अखंड हुई और महाकारण में लीला अखंड हुई भैरव सेठ को बताया और आगे बताया क्या सेठ सबलिक में हम पहुंचे तो ये चित्त का स्वरूप है चित्त के स्वरूप में हमने जो ब्रज में अग्न साल और बावन दिन की जो लीला की थी तो सबलिक के कारण में ब्रज लीलाखंड हुई और सबलीक के महाकारण में रास लीलाखंड हुई आप देखिए ने आपके नूरी तन वहां भी अखंड आपकी सुरता वहां नहीं है सुरता तो परत परम धाम में लौटी थी फिर जागनी ब्रह्मांड में आई है फिर आगे बताया कि उसके आगे केवल ब्रह्म आनंद अंग योग माया ब्रह्मांड और उसके आगे सत्य स्वरूप और उसके आगे परम धाम सर्वरस सागर से आगे बढ़ाया और उससे आगे बताया कि चार हार छोटी रंग चार वेली उसके आगे वन की नेहरे बड़ो महावन मधुवन और बड़ोवन उसके आगे माणिक पहाड़ की हद में भी महावन मधुवन और बड़ो वन उसके आगे जवेरों की नहरें चार आठ सोलह बत्तीस चौसठ फिर ये फिरावा नौ फिरावा को छोड़कर फिर आगे दूसरी परिक्रमा के अंदर अक्षरधाम के पीछे भी कुंज निकुंज के वन और आगे अक्षरधाम अक्षरधाम के आगे भी केल लिमोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी और बट है सेठ ये सात वनों को देखो ये सात वन हमने अक्षरधाम की ओर छोड़ा हम और आगे बढ़े तो हम पाल पर आए और नीचे उतरे तो जलरोस पर आए वहाँ छुटक छुटक जो छे देहुरिया बनी है ये देखो और उसके बाद केल पुल पर पहुँचे केल पुल से दक्षिण की ओर मरोड़कर कर हम पाट के घाट पहुँचे पाट के घाट जो मध्य में बना हुआ है दो भोम तीसरी चांदनी का और वहाँ से हम पाल पर तीन सीढ़िया आगे अमृतवन की दो मंदिर की रोस पर चलकर हम चांदनी चौक में पहुँचे चांदनी चौक में उत्तर दिशा में लाल वृक्ष दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष और आगे सो सीढ़िया हम चांदा चढ़ सुंदर साजी जड़ित कठेड़े और लाल प्रकार की कांगरी को देखते हुए एकदम कोमल मुलायम गिलम उस पर कमल रखते रखते हम धाम चौक में पहुँचे धाम चबूतरा को देखे जहाँ हीरा माणेक पुखराज पाँच और नीलवी के दोनों और पाँच पाँच स्तंभ हैं और पीछे अक्षी भी पाँच पाँच वैसे बीस स्तंभों पर बाईस मेहराबे जो आई है और दो भोचा दरवाजा दर्पण के कमाड़ हरे रंग की फ्रेम सेंदूरिया रंग की चौखट अंदर प्रवेश किए अट्ठाइस थम्भ के चौक और ये पास करके चार चौरस सवेली पहली चौरस सवेली रसोई की हवेली उसको पार किया तीन चौरस सवेली छोड़ के पांचवी गोड़ हवेली मूल मिलावा जहां तीन हम तीन सीढ़ियां चढ़कर हम चबूतरे पर पहुंचे तो फिर गिरद में चौसठ थम्भ की शोभा आई है हम पांच हरा रंग के दरवाजे से अंदर प्रवेश किया आसपास के नीलवी के थंबे पूर्व में पश्चिम में दरवाजे के नीलवी के और आसपास में पांच हरे रंग के थंबे उत्तर में दरवाजे के पुखराज के और आसपास के मानेक के थंबे दक्षिण में दरवाजे के मानेक के और आसपास के पुखराज के थम्भ है और जो कोने खांचे के अंदर है हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर कंचन पीरोजा और कपूरिया ये बार बार जो थंब लगे वैसी शोभा उसमें भी चालीस हाँस आए हैं कठेड़े कंचन के लगे है और थम्बों से लगते हुए लाल तकिया अंदर सवा फिट नीची एकदम कोमल मुलायम गीलम बिछी है उस पर हम बारह हजार कई प्रकार के सिंगार सजकर मूल स्वरूप किशोर की, सोर की निरखी सखी सची दानंद जोरी भोम तलेखी छबी नियारी सोहे सिंहासन प्यारो प्यारी तो सुंदर गिरद में धाम धनी के चरणों में हम कई प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित सखिया धनी के चरणों में बैठी है मध्य में सिंहासन कंचन के रंग के है छह पाया छह डांडे आठ कलश सुंदर सा जी बीच में जुगल स्वरूप और इतना ही नहीं नूर की चौकी पर चरण कमल भी राजमाने शिराज जी को श्रृंगार सेंदुरिया रंग का चीरा आसमानी रंग की पिछोरी कैसे रंग की इजार सुपेत रंग को जामा श्यामा जी का श्रृंगार नीली लाही को चरणिया श्याम रंग की की रेड कलर की साड़ी सुंदर जी ऐसे वस्त्रों और आभूषणों का जब वर्णन किया भैरव सेठ की आंख खुल गई तीसरे दिन में भैरव सेठ की खुल गई और उसने क्या बोला कि धाम तीन घंटे बस सुनते थे ब्रज की लीला तीन घंटे सुनी रास की लीला तीन घंटे सुनी और धाम की लीला तीन घंटे अपनी आत्मा जागृत हो गई और मूल मिला में पर तन को देखने लगी और सुंदर साहद जी श्री जी के चरणों में गिर गए सम अपना सब सम, कुछ समर्पण कर दिया समर्पित कर दिया और जो हुक्का पड़ा था वहां और बोला के जन्म भर को छोड़िया बोलिए श्री प्राणनाथ जन्म भर को छोड़िया हम मानते ना भाई ये आदत तो है बुरी ठीक है कल छोड़ देंगे फिर हम नहीं, नहीं नहीं कल नहीं दो तीन दिन में शायद छूट जाएगी सुंदर साहद जी कल करे सो अब और अब करे ये अभी घड़ी कर लो क्योंकि कल कभी होने वाला नहीं है और आदतें छूटने वाली बस एक दृढ़ संकल्प कर लो कि बस मेरे अंदर धाम धनी की ब्रह्मात्मा होती ने वो कैसी होती तो निर्गुण के आहार भी निर्गुण साफ दिल सुहागनी कभी न दुहावे खोजी अपने आप को खोजी अपनो घर खोजे अपने खसम को और खोजिए दिन आखर महात्मा के ये लक्षण है तो यहां हुका तोड़ दिया और घर के लोग तो दज्जाल के रूप बनने वाले ही थे कि भाई ये कौन महात्मा आए हैं इसका तन ही उस पर तो टिका हुआ है मांस शराब हैं सब पर ये छुड़ा देंगे तो हमारे पति का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा बच नहीं पाएगा लेकिन धरो सेठ ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया सुंदर सा जी उस बातों से बस इतनी समझ लेनी है कि बस हमारा ईमान एक धाम धनी के प्रति अडिग होना चाहिए एक धाम धनी के सिवा किसी को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए उसके लिए मरना पड़े तो मर जाओ लेकिन धाम धनी का ईमान मत तोड़ो तो यहां ये प्रसंग के बाद तेजबाई नाम की एक महिला है जो वहां की एक सिरदार महिला है एक प्रमुख सिरदार महिला है जो महिला मंडल चलाती है तो वो भी अपने परिवार को लेकर आई उसने भी श्री जी की अवलौकिक ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनकर तारतम ज्ञान ले लिया और उसके बाद सुंदर जी रोज बहुत सी सखिया बहुत सखिया आई वैसे बहुत सी सखिया उसके साथ आने लगी तो जो वहां भंसारी लोग हैं ना उसने भी दज्जाल का रूप ले लिया भंसारी कौन जो विरोध करे वो भंसारी तो ठीक है वो कास्ट का नाम था जाति का नाम था आज धामी बता रहे हैं कि जो लोगों ने का रूप क्योंकि सखिया रोज श्री जी की चर्चा में बैठने लगी उसको तो जी की चर्चा के बिना चैन ही नहीं पड़ता जैसे व्रज की गोपियों का हाल था बस पूरा दिन उसको ऐसा लगता यहाँ ही बैठे रहे घर में जाना ही नहीं है कि हमको ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहे कितने दिनों से चर्चा चल रही है क्या बता रहे धाम धनी हमारी घड़ी की ओर ही ध्यान जाती है ना यहां सुंदर साद जी शोर तो दज्जाल बार बार कर, करेंगे लेकिन आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए तो भैरव सेठ के वहां पहले भंसारी लोग गए कि भाई आपके यहाँ मेरी हमारी सबकी महिलाएं वहाँ पूरा दिन रहती है चर्चा सुनती रहती ठीक है लेकिन घर में उसको चैन नहीं पड़ता ठंडा कुछ ना भोजन बना के चली जाती है रात को आती है हमारे लिए योग्य मतलब पसंद नहीं है तो आप ऐसा करो आप वहाँ से चर्चा करना बंद कर दो तो यहाँ भैरव का विमान पडिग हो गया था विश्वास पक्का हो गया था उसने बोल दिया कि आप अपनी पत्नियों को लुगाइयों को आपके पास रखो ने मैं थोड़ा बुलाने के लिए आता हूं कि सरसावा आओ मतलब ये पीठ में आओ धामधनी क्या बता रहे हैं मैं थोड़ी बुलाने के लिए आता हूं अपने आत्म कल्याण के लिए अपने आत्मिक सुख के लिए हर कोई आता है यहां परमात्मा की चर्चा मिलती है तो सबको अच्छी लगती है सुख प्राप्त होता है तो सब कोई यहां आते हैं किसकी बात है? हमारी है ना ये किसी की बात नहीं है ये, ये जवाब दिया तो बहुत सारे लोगों का अब नहीं चला तो ये तेजबाई जो महिला मंडल की सिरदार थी प्रमुख वहां गए तो उसने बोला कि भाई तुम चर्चा में जाया मत करो ने हमारी महिलाएं रोज आज चौदह दिन से वहां जा रही है तो वहाँ ही बैठी रहती है तो तेजबाई ने बोला कि भाई मेरी उम्र तो देखो मेरी अवस्था की ओर तो देखो मैं तो बुढ़ी हो गई मेरे को आप क्यों मना कर रहे हो आपकी पत्नियों को आपके पास रखो ने मैं तो वहां जाऊंगी जाऊंगी अने और जाऊंगी मेरे को रोकने का आपका अधिकार नहीं है तो तेजबाई ने भी बल किया सुंदर जी ये सब बातें हमारी है सुंदर जी कोई हमारे घर में मांगलिक प्रसंग है रिश्तेदार में सगे संबंधी में ठीक है तो हम कितना बल करते क्या घर परिवार लोगों को कहने पर हम रुक जाते क्या नहीं रोकते बल करके भी हम जाते ने? तो धामदनी की चर्चा में बल करना पड़ेगा कि कर नहीं पड़ेगा ठीक है बता रहे हैं, तो यहां फिर उसकी पत्नियों के पास बड़ सारी लोग झगड़ने लगे तब उसकी पत्नियों ने बोला कि भाई तुम जाते भी नहीं हो और जाने भी नहीं देते हो तुम जाते भी नहीं हो और जाने भी नहीं देते हो तुम हमारे बीच में क्यों बाधाएं डालते हो तुम ना आओ तुम्हारा हमारे शरीर के साथ संबंध है हमारी आत्मा के साथ संबंध नहीं है हमारी आत्मा तो सुनने के लिए तो भी जाएगी आप हमारा शरीर के साथ आपका संबंध है हमारे साथ तो आप ऐसा करो ये शरीर को यहाँ रख लो हमारी आत्मा चले जाएगी तो मृतक शरीर को आप क्या करोगे जैसे स्वातसी सखिया घर में तन पड़ गए ना दिख दिख संसार ने, ने काना उठेरे अगेन वीरा तामस भेरा थैंगा थैारे पतन वैसे ही ये महिला सुंदर साथ ने भी बोल दिया कि हम तो वहाँ जाएंगे आप कोई भी स्थिति में हमको रोक नहीं पाएंगे तो इस समय में चर्चा का बहुत बड़ा शोर सुंदर साजी शहर में होने लगा इस टाइम पे एक क्षेत्रीय अधिकारी का स्थानांतरण होना था सुंदर साहद जी श्री जी विदाया लेने के लिए बार बार सुंदर साथ को बोल रहे हैं कि मैं और आगे फिर ठट्ठानगर जाऊँ नगर से फिर बसरा जाती नाव में बैठ कर वहाँ से कोक और लाठी बंदर हो के सुंदर जी नलिया पहुँचना है तो यहाँ बोल रहे हैं कि भाई मेरे को जाने दो लेकिन भैरव सेठ बोल रहे हैं कि श्री जी आपने पहचान क्यों करवाई आपके स्वरूप की ध्यान से सुनना बहुत गहरी बात है जो आपके स्वरूप की पहले पहचान नहीं दी होती ना तो तो ठीक है हम बहुत टाइम से अबासी बंदर में थे और बहुत टाइम ऐसे गुजार देते चलता रहता था ये माया में काम में ऐसे दिन गुजर जाते थे आपने ऐसे प्रश्न किए कि आपने पहचान पहले क्यों दी पहचान के बाद हमसे अलग हो रहे हो तो हम कैसे सहन कर पाए आपके जुदागी आपकी शी जी बार बार बोले कि नहीं और जगह बहुत आत्माएं उतरी में यहाँ एक साल और रह जाऊँ तो भी कई आत्मा की जागनी हो जाती लेकिन क्या करूँ मजबूर हूँ विवश हूँ आगे और जाना है तो इस टाइम पे एक क्षेत्रीय अधिकारी जो ये हिंदू का कट्टर दुश्मन था स्थानांतरण हुआ तो भैरव सेठ को भी चिंता हुई कि भाई मेरे घर के लड़के परिवार को रखना भी मुश्किल है तो शी जी को कैसे रखूँगी रखूँगा सुंदर को कैसे रखूंगा? तो चलो उसको विदा करे। तो बहुत से वस्त्र आभूषण धन संपत्ति देकर वहाँ से शी जी और सुंदर को विदा किए और शी जी फिर सुंदर जी वहाँ से विदा हुए और फिर नगर जाएंगे नगर फिर एक महीने रुकेंगे और फिर आगे नगर में एक महीने में फिर यह नाथा जोशी बाई बंधन बाई सब मिलते हैं वहाँ भोजन प्रसाद चर्चा सत्संग का कार्य होता रहता है और वहाँ से सी जी एक पत्र लिखते हैं बिहार जी महाराज को कि भाई पहले चिंतामणि को भेजते श्यामल दास जी को कि भाई न दीव से लेकर कपई मंडई नबी भी पोरबंदर पाटन ठट्ठा लाठी मस्कत में जो जागनी हुई है बासी में तो ये पत्र को लेकर वहाँ जागनी की संबंधी पत्र लेकर भेजते हैं बिहार जी महाराज पढ़ते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है और आगे जाके फिर विश्वनाथ भाई को भेजेंगे और उस पत्र में लिखेंगे कि भाई मैं आपको इसलिए बुला रहा हूँ कि आगे जहाँ जहाँ जागनी हुई ना जितने जितने सुंदर साथ की उसने बहुत सी धन संपत्ति दी है वस्त्र आभूषण तो ये लेने के लिए आप आ जाओ तो बिहारी जी माँ आज बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को पता है आप मेरे बिना रह नहीं पाओगे तो मैं अभी तत्काल मैं नलिया आ रहा हूं तो सुंदर सा जी नलिया का प्रसंग हम कर लेंगे बोलिए श्री प्राणनाथ नाथ हम कहे ये मोमिन <coughs> ये बीतक ठठे की जान अब याद करो नलिए को आगे कहो पहचान आगे कहो पहचान बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज प्रणाय